हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल AK51 केयर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनम प्लस प्लस क्रीम के बारे में। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग गोरा होने के लिए तरह तरह की क्रीम की यूज करते हैं, जिसमें पैनम प्लस भी शामिल है। गलत जानकारी या आधे अधूरे ज्ञान के कारण कभी कभी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनम प्लस प्लस क्रीम क्या है, इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स मिले हैं, इसे किस प्रॉब्लम में लगाया जाता है और इसके साइड इफेक्ट की बात हम करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो आए, जो भी नया वीडियो आए, वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पैनम प्लस प्लस क्रीम में मुख्यतः तीन तरह के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। पहला है क्लोबिटासोल, दूसरा है न्यूमाइसिन और तीसरा है माइक्रोजोल। अब हम बात करेंगे पैनम प्लस के पहले इन्ग्रीडियंट्स क्लोबिटासोल के बारे में। क्लोबिटासोल एक मजबूत कार्डिकोस्टेरॉइड है, यह शरीर में सूजन पैदा करने वाले रसायनों की क्रिया को कम करता है। इसका उपयोग सोरायसिस, एक्जिमा जैसी विभिन्न स्किन संबंधित बीमारियों के लिए किया जाता है। क्लोबिटासोल स्किन में होने वाली खाज, खुजली, रेडनेस को कम करने का काम करता है। यह एलर्जी और जलन के कारण होने वाले सूजन, खुजली और दर्द को भी कम करने का काम करता है। दोस्तों, क्लोबिटासोल का उपयोग 18 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन जो टीनेजर है उनको डॉक्टर की सलाह लेकर ही पैनम प्लस प्लस का यूज करना चाहिए। यह एक स्टेरॉइड क्रीम है, इसलिए यदि इसको रेगुलर लगाने से हमारे स्किन में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पैनम प्लस प्लस क्रीम के दूसरे इंग्रेडिएंट्स न्यूमाइसिन के बारे में। न्यूमाइसिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए किया जाता है। यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का मदद करता है। अब हम बात करेंगे माइकोनाजोल के बारे में। माइकोनाजोल एंटीफंगल मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल दांत, खाज, खुजली के इलाज के लिए किया जाता है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से होने वाले रिंग बर्न और स्किन इन्फेक्शन के इलाज में काम आता है। दोस्तों, पैनम प्लस प्लस क्रीम फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए यूज किया जाता है। यह दांत, खाज, खुजली को ठीक करने और स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करता है। अगर इसे फेयरनेस क्रीम समझकर या दाग धब्बे को ठीक करने या पिंपल्स को ठीक करने के लिए चेहरे पर लगाया जाता है, तो इसका साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। दोस्तों, यह एक स्ट्राइट क्रीम है, लगातार चेहरे पर यूज करने से स्किन इसका आदि हो जाता है, फिर दूसरा फेयरनेस क्रीम काम नहीं करता। दोस्तों, अब हम जानते हैं पैनम प्लस प्लस के साइड इफेक्ट के बारे में। अगर इसे लंबे समय तक लगाया जाए तो बिना डॉक्टर की सलाह से इसका साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा है। स्किन का चमड़ा पतला हो सकता है, चेहरे में रेडनेस हो सकते हैं, चेहरे में बाल आ सकते हैं, चेहरे में पिंपल्स हो जाता है, गहरे दाग हो जाते हैं, झाइयाँ भी हो जाती हैं। दोस्तों, पैनम प्लस प्लस क्रीम फंगल इन्फेक्शन की क्रीम है, यह फेयरनेस क्रीम नहीं है। इसे आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही यूज करें। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स पर लिख कर जरूर कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।